कराए थे, आज दोबारा करते हैं। कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी हुई है? पहले मैंने लिखा है नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स आर द होल नंबर्स दैट यू नीड टू काउंट इंडिविजुअल टर्म। ये कहाँ से शुरू होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो वन से शुरू होते हैं, उनमें जीरो भी इंक्लूडेड नहीं होता और नेगेटिव नंबर भी नहीं होते, सही है? जीरो चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, सही है? अगर मैं कोई चेयर ना रखूं तो कोई काउंटिंग नहीं हो सकती चेयर्स की, कम से कम एक चेयर होनी चाहिए ताकि मैं काउंटिंग स्टार्ट कर सकूं, सही है? तो काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विद वन, सही है? और होल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि 1.5 चेयर है यहाँ पे, ओके? फिर हम कहते हैं इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे सबके एक एक लेटर लिखे हुए ना, ये देखो, ये लेटर्स आपको याद भी होने चाहिए और ये क्वेश्चन में लिखे हुए भी होते हैं। ये कौन से चैप्टर में नजर आएंगे? एक चैप्टर आता है सेट्स एंड वेन डायग्राम, ये वहां पे दोबारा नजर आएंगे आपको, अभी इतना ज्यादा नहीं नजर आएंगे, ये वहां पे ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, अल्फाबेट्स होते हैं, सही है, मेंशनड होते हैं कि अगर उसने इंटीजर्स की बात की होगी तो उसने इंटीजर के सेट को नाम दिया होगा जी, ओके, यूं लिखा हुआ होता है आगे। आप लोगों ने सेट्स पढ़ा है पहले कभी? वो यूं करके लिखा हुआ होता है, यूं उसके अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं, ओके, इसको सेट्स कहते हैं। बाद में चैप्टर पूरा है उसका, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके दोबारा यूज होगा तो पता होना चाहिए भाई किस नंबर को क्या कहते हैं, ओके? जी आर काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल्सो जीरो एंड नेगेटिव होल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल -50, -20, 0, 11 and 251, सही है? इंटीजर्स किसको कहते हैं? होल नंबर्स को। ये भी पहली क्लास में हमने सीखा था कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ओके? फिर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल्सो नंबर्स विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। तो रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल दी भी है मैंने, -20 भी एक रैशनल नंबर है, -3/4 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 50/1/2 भी एक रैशनल नंबर है, जो भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सके, ओके? फिर एक कैटेगरी है रियल नंबर, इन सबको जब मैं ऊपर वालों को कंबाइन करता हूं तो रियल नंबर्स बनते हैं, सही है? अच्छा, पहले तो सॉरी सॉरी, ये देख लो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। यहाँ पे क्या क्या नंबर्स लिखे हुए हैं? सबसे पहले देख लो, √2 लिखा हुआ है, √3 भी होता है, √5 भी होता है। इरेशनल नंबर्स मैंने क्या सिखाए थे कि जिनको हम कैलकुलेटर पे भी लिखते हैं, कैलकुलेटर पे एक बटन होता है जो फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करता है, आप वो बटन प्रेस भी कर दें तो भी चेंज नहीं करेगा, वो वापस आपको √2 दिखा देगा, सही है? क्यों? क्योंकि √2 को फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, सही है? √3 को भी नहीं किया जा सकता, √5 को भी नहीं किया जा सकता। पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। आप जब 22/7 यूज करते हैं, सही है, आपने 22/7 कहीं कहीं यूज किया होगा, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, सही है? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ओके? पाई इज नॉट एग्जैक्टली 22/7। फिर उसने कहा रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए, सारे नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सब रियल होता है। तो नॉन रियल क्या होता है वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। नॉन रियल कैसा नंबर होता है? नॉन रियल नंबर्स आर, नहीं वो तो इरेशनल होते हैं, नॉन रियल नंबर्स आर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, रूट ऑफ -2 पॉसिबल ही नहीं होता, सही है? इनको नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स भी कहा जाता है, सही है? ये एक ए लेवल मैथ्स का पूरा टॉपिक होता है, इमेजिनरी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, सो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, ओके?
रिकरिंग डेसिमल्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी रिटन एज फ्रैक्शंस. ये अभी मैं बाद में आपको बात बताता हूँ. ओके, द नंबर पाई हैज बीन कैलकुलेटेड टू बिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय हाई पावर्ड कंप्यूटर्स. हाउएवर नो रिकरिंग पैटर्न हैज बीन फाउंड. अच्छा, बाद में बात करता हूँ मैं इस पे. पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत सारे नंबर्स लिखे हमें. सबसे पहले बताने नेचुरल नंबर्स. नेचुरल कौन से होते हैं? काउंटिंग वाले. अब इसमें से किस किस में काउंटिंग कर सकते हो? सबसे पहला नंबर 2 इज अ काउंटिंग नंबर. यस, ओके. व्हाट एल्स इज अ काउंटिंग नंबर? कोई और है? एंड में देखो 2005. ओके, इंटीजर्स बताने क्या रूट. टू इंटीजर है? टू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. रूट थ्री तो नहीं है. वन ओवर थाउजेंड भी नहीं है. माइनस नाइनटी नाइन है. फिर 0.3 नहीं है. जीरो है. जीरो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, neither positive nor negative. सही है? rational number. Rational कौन से होते थे? Sorry, 2005. You're right. Sorry, मैं भूल गया. Okay? Rational कौन से होते थे जिनको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है? होल नंबर भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस होते हैं, नेगेटिव नंबर भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो रैशनल कौन कौन से हुए? टू हुआ. वन ओवर थाउजेंड तो फ्रैक्शन है ना. सही है. रैशनल कौन से होते हैं? दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन. वन ओवर थाउजेंड भी हो गया. माइनस नाइनटी नाइन भी हो गया. टू एंड हाफ भी हो गया. माइनस वन ओवर फोर भी हो गया. पाई नहीं होता, पाई इरेशनल होता है. पॉइंट थ्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल हटा के फ्रैक्शन बन जाता है. लिख दिया मैंने जीरो. सही है, फ्रैक्शन बन जाएगा. जीरो ओवर वन लिख सकते हैं. 2005 भी है. तो पाई को छोड़ के और रूट थ्री को छोड़ के बाकी सारे रैशनल थे. रूट थ्री और पाई क्या है? इरैशनल है. ऊपर लिखा हुआ भी है. ओके, ऊपर हमने लिखा हुआ भी है. इरैशनल पूछ लिए. रूट थ्री एंड पाई रियल कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, चाहे जैसे भी हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, पाई हो, कुछ भी हो. सही है. तो इन सारे नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख दूंगा. मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ ऑल नंबर्स आर रियल, क्योंकि इसमें कोई भी रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं है. सही है. पेपर का सवाल कैसा आता है?